हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपके लिए आज बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको 4 केले लेना है, उसको बॉईल कर लेना है, फिर इसको ठंडा कर कर इसको इस तरह से छील लेना। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसीलिए पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि वो ट्रिक कौन सी है। तो फ्रेंड, आपको ऐसे ही इसको छील लेना है। आपको बॉईल की जगह अगर कच्चा केला लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर लेकिन अगर बॉईल कर लेंगे तो इसका जो दूध होता है ना, इसका हल्का हल्का सा करछपन होता है, वो इससे निकल जाता है। इसीलिए मैंने इसको बॉईल कर कर लिया है। अब मैंने 4 केलों को अच्छे से छील लिया है। इसको थोड़ा सा गर्म था तो इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में इसको कट कर देंगे। इसको हमको कट ही करना है, इसको मैश नहीं करना है। अगर आपके फैमिली में किसी को केला नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से बनाकर खिलाएंगी तो वो भी केला खाने लगेगा और आपसे बार बार बनवा कर ये रेसिपी खाएगा। तो फ्रेंड, अब चलते हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमको इसको पतला पतला कटिंग नहीं करना, इसका थोड़ा सा हम मोटे ही कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने किस तरह से किया है, आपको भी ऐसे करना है। ये देखिए फ्रेंड, आपको इतना ही पतला इसको रखना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना ना बहुत पतला रखना है। ये देखिए फ्रेंड, सब कट चुका है। अब इसकी हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। उसके लिए मैंने कटोरी ली है, इसमें हम मैंने लिया है मूंगफली का दाना। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप अगर इससे डालकर बनाएंगे तो आपकी रेसिपी एकदम एवन क्वालिटी की बनेगी। और हमने इसमें सौंफ लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे। ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा और ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही यम्मी बनता है। इससे एक बार आप बनाकर ट्राई करेंगी तो आप दोबारा ज़रूर बनाएंगी। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि इसको हमको क्या करना है, कैसे डालना है। तो फ्रेंड, अब इसकी हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी ली है, उसमें लिया है लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर लिया है और ली है हल्दी। अब इसमें हमको 1 चम्मच गरम मसाले ऐड कर देना है और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। अब 1 चम्मच मैंने इसमें मैगी मसाला ऐड कर दिया है, उससे इसका खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है, ये बहुत ही अच्छा खाने में लगता है। अब इस मसाले को हम मिलाकर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, आप इसको घी में बना सकती हैं या तेल में, मैंने इसको तेल में बनाया है। ये देख लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। अब हम केले को अच्छे से फ्राई करना है हमको। सारे केले मैंने ऐसे ही डाल दिया है एक तरफ से, ये अच्छे से जब हो जाएगा फिर इसको हमको पलटना है। आप 5 मिनट तक इसको ऐसे ही हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगी। ये देख सकते हैं आप, इसको पलटना अभी नहीं है, जब एक तरफ से अच्छे से हो जाएगा फिर इसको पलटना है। ये देखिए आप, एक तरफ से अच्छे से हो चुका है, फिर मैंने इसको पलट दिया है। केले को हमको अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी बनाना है। ये देखिए अब ये दोनों तरफ से बराबर हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और थोड़ा सा हम इसको स्लो स्लो ऐसे ही घूर लेंगे, उसके बाद में हमको निकाल लेंगे। अब इसको हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने अब उसी बर्तन में सरसों का तेल लिया है। अगर आपको ये ना पसंद हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी बना सकती हैं, लेकिन सरसों के तेल में और भी अच्छा लगेगा। तेल को डालते समय हमको गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद में इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इस दोनों को अच्छे से भून लेंगे गोल्डन होने तक। ये देखिए आप, आपको ऐसे ही इसको भून लेना है। उसके बाद में इसमें मसाले ऐड करने हैं। उसके लिए मैंने 2 प्याज लिया था, थोड़ा सा अदरक लिया था और एक लहसुन की कली ली थी। तीनों का मैंने पेस्ट बना लिया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है
इसको थोड़ा सा हम 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। उसके बाद में जो मसाले मैंने तैयार किए थे उसमें ऐड कर देंगे। मैंने अभी इसमें मूंगफली का जो मिश्रण तैयार किया था वो नहीं ऐड किया है। फिर इसको ऐसे ही हमको ढककर पका लेना है, 2 मिनट तक कुक कर लेना है। ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, अब मसाले थोड़ा सा कुक हो चुके हैं। इसको हम चला लेंगे, देखिए इस तरह, देखिए तेल तेल ऊपर आ गया है, मसाला अलग हो गया है, तेल अलग हो गया है, देखिए दिखने में कितना अच्छा लगता है। अब ये थोड़ा सा पक चुका है, अब हम इसमें एक टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे। इसमें मैंने पेस्ट नहीं डाला, इसमें मैंने ऐसे ही टमाटर कट करके डाला है। उसके बाद इसमें हम नमक ऐड कर देंगे जो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से नमक ले सकती हैं। मैंने 4 केले का बनाया है, तो अगर आप 3 केले का बनाएं या 2 केले का तो थोड़ा सा कम नमक ले सकती हैं। मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद हम टमाटर को चला लेंगे, फिर इसको ढककर 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। दो मिनट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको फिर से चलाकर देखेंगे, ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम केला जो मैंने फ्राई करके रखा था इसमें डाल देंगे ऐसे ही, और इसको हम बराबर चलाएंगे थोड़ी देर। उसके बाद इसको हम ढकेंगे, देखिए मैंने इसको अच्छे से चलाकर मसाला मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी स्लो आंच पर इसको पकाकर खा सकती हैं बिना पानी ऐड किए। अब मैंने इसको 2 मिनट तक ऐसे ही और कुक कर लिया है। उसके बाद में ये मसाले अब इसमें भिन चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ले सकती हैं, अगर आपको चावल से खाना हो तो इसमें ज़्यादा ही पानी ऐड करिए, वरना कम कर दीजिए अगर रोटी से खाना हो तो। मैंने इसमें 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास में अच्छे से इसमें तरी रहती है, ये देखिए। अब जो मैंने मूंगफली का मिश्रण तैयार किया था अब इसमें हम डाल देंगे। ये आप ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड आप इसको ऐसे ही डाल देना। उसके बाद अब मैं आपको कसूरी मेथी डाल देनी है ऐसे क्रश करके, फिर इसको हम चला लेंगे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में हम इसको अब 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। केला आप जानते हैं बहुत जल्दी गल जाता है। तो देखिए फ्रेंड अब ये हो चुका है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, उसके बाद में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है और इसको निकाल लिया है, देखिए कितना अच्छे से ये कुक हो गया है, कितना दिखने में ही कितना यम्मी लग रहा है। अब मैंने एक बॉइल लिया है उसमें इसको निकाल लिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक दिखा रही हूँ निकाल के कि ये अंदर तक कितने अच्छे से पक चुका है। बस फ्रेंड आप इसको गरम गरम खाइए और खिलाइए। तो फ्रेंड कैसी लगी मेरी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड।